हाँ जी, सत श्रीकाल जी। कदा मेरे भैन भरा सारे कैंट हो, आई होप कि तुम सारे कैंट ही होंगे। तो अज आप जर्मन का वर्क परमिट जॉब स्टिकर जो वीज़ा आ वह लैके आए हैं, उस दे उत्ते जानकारी लैके आए कि वो इंडियन वास्ते या बाकी कंट्रियां वास्ते ओपन होया आ। सो उस दे विच किहड़े किहड़े डॉक्यूमेंट लगने ते कौन कौन उस चीज़ नूं भर सकते हैं। सो इस वीडियो नूं फुल देखियो ते होर भी भैन भरावां तक जरूर पहुँचायो। चलो जी, तुहाडा बहुता टाइम ना लेंदे ते वीडियो नूं करदे हां स्टार्ट। तो सब तो पहला वीडियो कर दो लाइक, तो नाले वीडियो देखियो फुल, तो अपने यूट्यूब भी चैनल जरा सबसक्राइब जरूर कर लियो। जिदा कि यार अपने भैन भरा सानू पुछते रहेंगे मैंने कि भाई कोई वर्क परमिट दसी सानू कोई कि किदा या किदा नहीं है। देखो मैं तुम्हें सीधी गल दस दिना है, मैं पहला तो तुम दस दिना मैं कोई एजेंट नहीं है, ठीक है। मेरे को भी जिदा कोई नोटिफिकेशन आता है जो कोई आता है ज मैं पता लगता सर्च करके जो कितों लगता मैं तो जानकारी शेयर करता हाँ, तो ना ही मैं कोई एजेंटी का काम करता हाँ, तो ना ही मेरे कोई लिंक च हैगा या बंदा, तो ना ही मैं पूछा करो वीर मेरे को कोई एजेंट दस दे कोई वो दस दे, क्योंकि यार अज तुहानू मैं दस दूंगा कल वो बंदा फ्रॉड करके तुहाडे नाल भाजे तुसी मैनू चक्की फिरना, ठीक है ना। सो उस तो वधिया ये है कि तुसी खुद लभो तो खुद करो। हुण अगे गल कर लैने आपां जर्मन दे जॉब स्टिकर वीज़े की। हाँ जी, जिहड़ा कि जर्मन का स्टॉप जॉब स्टिकर वीज़ा हुंदा है 6 महीने लिए वैलिड हुंदा है। इहदे विच तुसी जर्मन दे विच जदों जाने हो तो तुसी जर्मन दे विच जाके जॉब लभनी हुंदी है, उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा कि काम स्टार्ट हो जाता है। हुण तुहानू इहदे विच क्वालिफिकेशन की चाहीदी है, तुहानू सीधी गल दसदा मैं। जिहड़े वीरां ने मास्टर जां बैचलर कीती हुई है उन्हां वास्ते यह बहुत वधिया आ, ठीक है जी। उन्हां नूं यह आ कि थोड़ा जल्दी वीज़ा जिहड़ा कि मिल जाता है, क्योंकि जर्मन दे विच तुहानू पता है जे कोई तुसी जॉब स्टिकर वीज़े ते जा रहे हो तुहानू क्वालिफिकेशन की जरूरत पैंदी पैंदी आ। नंबर 2 दे उत्ते जे तुसीं उत्थे जर्मन जा रहे हो तुहानू उत्थे दा B1 कोर्स लैंग्वेज कोर्स आना चाहिए आ, ठीक है जी। क्योंकि जो तुसीं उत्थे जॉब जो तुसीं सर्च करनी है उत्थे जाके, क्योंकि ये जिहड़ा वीज़ा हुंदा है इहदे विच 6 महीने दे विच विच तुसीं जिहड़ी कि जॉब लभनी हुंदी है, नहीं तो उस तो बाद तुहानू फिर वापस इंडिया आना पैंदा है। जां नहीं है तो कई वीर जिहड़े नहीं आउंदे हैगे तो तुहानू पता इधर उधर कितें मूव हो जांदे आ, है ना। बाकी अपने भरा ते जगाड़ी हुंदे ही आ, किद्दां जगाड़ ला लैंदे आ। पर जे तुसीं जर्मन च रह के उत्थे दे पेपर लैने ने, उत्थे दे PR लैनी है, ठीक है। सब तो सौखा तरीका यह है जर्मन दे विच होण दे टाइम दे विच कि तुसीं जर्मन दे विच जॉब स्टिकर वीज़ा लैके जा सकते हो, ठीक है जी। मैं थले नोटिफिकेशन उत्थे भी डिस्क्रिप्शन च भी ला दूंगा किदां अप्लाई करना है, किहड़े किहड़े डॉक्यूमेंट ये लगने आ, सारा कुछ मैं थले दे दूंगा। उत्थे जाके तुसीं एक बार जरूर सर्च कर लियो, पहला पढ़ लियो, फिर तुसीं अपने डॉक्यूमेंट देने शुरू करियो। सब तो पहला तुहानू इत्थे आण के तुहानू इंडिया दे विच तुहानू जर्मन का जिहड़ा की है वह B1 कोर्स करना पैना लैंग्वेज का, जे तुसी वर्क परमिट ते आ रहे हो, ठीक है जी। जॉब स्टिकर वीज़े ते उत्ते जर्मन आ रहे हो, एक किते भी हो जाता वा, चंडीगढ़ भी हैगा इन्हां दा, जलंधर भी हैगा या लुधियाने भी हैगा या, है ना। तुसी गूगल दे उत्ते सर्च कर लियो जिते जिते होया तुसी उत्थों अपना कोर्स कर लियो। लैंग्वेज तुहानू थोड़ी बहुती आ गई, उस तो बाद तुसी इत्थे आ के जर्मन दे विच किसी भी कंपनी दे विच जाके तुसी जॉब जिहड़ी कि अप्लाई कर सकते हो। जे तुहाडे कोल होटल मैनेजमेंट का भी हैगा या कोर्स, है ना, जे तुसी होटल मैनेजमेंट किया होया आ फिर भी तुसी जर्मन दे विच जाके किसी भी होटल दे विच रेस्टोरेंट दे विच जे तुहाडे कोल एक्सपीरियंस हैगा या 4 तो 5 साल दा विच जां 3 साल दा भी होवे एक्सपीरियंस तुहाडे कोल किसी चीज़ दे विच हैगा आ, तुसी ओह भी नाल डॉक्यूमेंट ला के उत्थे जाके जॉब सर्च कर सकते हो। जिद्दां ही तुहानू जॉब मिल गई नाल दी नाल ही तुहाडा 2 साल दा उत्थे दा वर्क परमिट ते नाल ही तुहानू ब्लू कार्ड मिल जाणा आ। उस तो बाद तुसी ये आ कि 2 साल लई तुसी उत्थे दे हो जाणा आ, तो इंडिया भी जा सकते आ सकते हो। जर्मन के पेपर आ गए तो तुहानू पता कितें भी है नहीं, है ना, तोड़ जर्मन के पेपर का ते पैसों का, ठीक है जी। जे तुसी घंटिया के हिसाब नाल लाओगे तो 9.3 या 8.5 के हिसाब नाल तुहानू जिहड़ी कि उत्थे दी सैलरी मिलनी आ, सही है। जे उदा सैलरी तुसी लाओगे तुहाडी 2000 यूरो तो जिहड़ी कि स्टार्ट हो जाती है, जिनी कोई 1,80,000 रुपया इंडिया का बनता है स्टार्टिंग। जे तुसी लैंग्वेज सीख के आने हो, कोई तुहाडे कोल एक्सपीरियंस हैगा या तुसी बैचलर की हुई है मास्टर की हुई है, ठीक है जी, लैंग्वेज कोर्स सीख के आने हो। क्योंकि जे तुसी किसी कंट्री दे विच जा रहे हो जे तुसी उत्थे दी लैंग्वेज या कुछ माड़ा मोटा सीख लिया तो तुहानू जॉब लभण दी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती हैगी। ज़्यादा मुश्किल हुण आउंदी है जिहड़े आपां लेबर जॉब ते आउंदे आ जिद्दां सानू कुछ नहीं हुंदा, कोई एक्सपीरियंस नहीं हैगा, कोई कुछ नहीं हैगा, उहदे वास्ते तो तुहानू पता ही है सीधी गल है कि कोई भी कंट्री दे विच ज़्यादातर जॉब लभणी बहुत औखी हुंदी आ, भावें जर्मन चले जाओ, भावें अमेरिका चले जाओ, चाहे कैनेडा चले जाओ, कितें भी चले जाओ,
जे तुहाडे कोल कोई गुण हैगा या तुहानूं कुछ आंदा आ जां नहीं फिर तुहाडे लई बहुत ईजी हो जांदा आ। ठीक है जी, बाकी हौली हौली लभदे लभदे बंदा पैरां ते स्टैंड हो ही जांदा आ। पर जे कुछ साडे कोल एक्सपीरियंस होगा अं इंडिया तो ही कुछ ना कुछ करके आवेंगे, कोई ना कोई सीख के आवेंगे, कोई ना कोई किसी लैंड दे विच, है ना, इत्थे आ के सानू जिहड़ा कि सौख हो जाऊगी, सानू लेबर जॉब दे विच नहीं पैना पाऊगा। हुण तुसीं सारिया कंट्रियां दे यही हालात होए पे, काम कार नहीं मिलता पाया, सारे अपने जिन्हों भी फोन ला लो कहते काम कार नहीं मिलता पाया। क्यों नहीं मिलता पाया? क्योंकि असी जो आने असी 0% कोई सीख्या हों, कोई सानू कुछ नहीं आ दिया हों, क्योंकि आप जीरो तो स्टार्ट करना हों। हुण जे उही चीज़ आप इंडिया किसी ना किसी जगह के उत्ते कोई ना कोई चीज़ सीख के आवेंगे, सानू काम ही काम मिल जाता। ठीक है जी, सो जॉब स्टिकर वीज़ा जर्मन का जिहड़ा कि ओपन होया आ, मैं थले एप्लीकेशन भी ला दूंगा, पढ़ लियो सारा कुछ देख लियो, गूगल के उत्ते सर्च भी कर लियो, तुहानू आ जाना आ किदा किदा फिल करना किदा किदा नहीं करना आ। ठीक है जी, बाकी जो वीडियो वधिया लगी हुई तो शेयर जरूर करियो, तो होर भी भैन भरा तक जरूर पहुँचाओ, पर वीडियो फुल देखा करो, फिर ही जिहड़ी कि नॉलेज मिलती है। सो जर्मन नू जे वीरां ने आना तो तैयार हो जाओ, बहुत वधिया मौका आ। ठीक है, उस तो बाद जो तुम्हें तो 2 साल का कार्ड मिल जाना, उस तो बाद तो PR भी उत्ते हो जाती है, जो तुम्हें लैंग्वेज थोड़ी जी भी आ गई बंदा मुड़ के कोर्स करके होर सीख लेंदा। सो मिलते हैं अगली वीडियो के, जो वीडियो वधिया लगी लाइक जरूर करो, रब रखा जी।